हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भैया इनक्यूबेटर्स, एग इनक्यूबेटर्स। तो गाइस, एग इनक्यूबेटर होता क्या है गाइस? एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि हम लोग एग्स रख के उनको हैच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट फ्री इनक्यूबेटर्स, उसके बाद वट काइंड ऑफ एग्स इन पोकेमोन गो। तो जो काइंड ऑफ एग्स है उसमें हम लोग बात करेंगे कौन कौन से पोकेमोन एग में से कौन कौन सा पोकेमोन निकलता है, ठीक है? तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भैया बिल्कुल सेट होकर बैठ जाओ और देखनी पूरी वीडियो गाइस, ये नहीं कि बीच में निकल लिए। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस, जो ये इनक्यूबेटर होते हैं उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं गाइस, ठीक है? तो अगर हम लोग शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर दो टाइप के इनक्यूबेटर हैं गाइस। एक है जिसमें लिखा हुआ है सिंपली एग इनक्यूबेटर और दूसरा है वो सुपर इनक्यूबेटर। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एग इनक्यूबेटर क्या करता है, जितना डिस्टेंस उसमें लिखा होता है उतना ही डिस्टेंस एक ट्रैवल करने पे हैच करता है। सुपर इनक्यूबेटर वहाँ पर जितना डिस्टेंस लिखा रहता है उससे थोड़ा कम चलने पे करता है गाइस, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर ओके गाइस, तो इनका एक चीज़ और है गाइस, ये अगर आप इनक्यूबेटर खरीदते हैं तो ये एक इनक्यूबेटर 3 बार यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है? ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी गाइस यहाँ पर ये क्या है भैया, चलो भाई। सो गाइस, ये थे इनक्यूबेटर के बारे में। अब बताते हैं गाइस पोकेमोन गो क्या है। ये गेम है जो कि कंपनी रन करती है गाइस। तो कोई कंपनी को कुछ बेचना हो, सपोज उनको ये इनक्यूबेटर बेचने हो, तो इनक्यूबेटर क्या करेगी, वो इनक्यूबेटर का वो ट्रायल देगी गाइस। ट्रायल मतलब आप लोगों को यूज़ करने को देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उनको यूज़ करें, उसके बाद उसका यूज़ करें। तो सेम टू सेम इस गेम में वही हो रहा है गाइस, सुपर इनक्यूबेटर और नॉर्मल इनक्यूबेटर, दोनों इनक्यूबेटर आपको मिलेंगे गेम में और उनको यूज़ करने को मिलेगा। और फिर आपकी मर्ज़ी, आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, नहीं खरीदना तो मत खरीदें गाइस। मैंने बहुत इनक्यूबेटर ख़रीदे हैं पास्ट में। तो गाइस अभी ये दो इनक्यूबेटर तुमने बता दिए, एक इनक्यूबेटर और होता है जो कि हमारे पास परमानेंटली रहता है गाइस, जो कि इनफिनाइट टाइम तक के लिए होता है गाइस। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कितने इनक्यूबेटर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या, दो ही हैं। तो एक है जो कि ऑरेंज वाला जो कि है वो है इनफिनाइट लिखा हुआ है, इनक्यूबेटर एग इनक्यूबेटर इनफिनाइट। और जो अभी मिला है, मतलब जो मुझे कल मिला है गाइस, वो है एग इनक्यूबेटर नॉर्मल, जो कि 3 बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है गाइस। अब बात करते हैं कि इनक्यूबेटर ले कैसे सकते हैं गाइस। सो गाइस, इनक्यूबेटर जो होता है वो मैंने कभी भी रुपये खर्च करके नहीं लिए, मैंने जब भी लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लिए गाइस। तो मेरा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा मैक्सिमम लोगों का गाइस, क्योंकि 150 पोके कॉइन्स का एक इनक्यूबेटर आता है। 200 वाला मैंने कभी नहीं खरीदा गाइस, कभी नहीं। मैंने एक इनक्यूबेटर लिया है तो 150 पोके कॉइन्स का आता है बेसिक। तो ये मैंने कैसे लिया गाइस, तो जो मैं बताने वाला हूँ ये तरीका फ्री नहीं है, इसके लिए आपको एक जिम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इन फ्यूचर कभी हम लोग को डेली रिसर्च से कुछ पोके कॉइन्स मिलेंगे तो वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इवेंट चल रहे थे जिनमें से कि एग में से काफ़ी अच्छे अच्छे पोकेमोन्स निकल रहे थे, मंचलेक्स, टोगोपी, ये सब निकल रहे थे। तो मैंने पोके कॉइन्स इकट्ठे किए और ख़रीदता था मैं, तो मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था गाइस। जिन लोगों के पास भी घर के आसपास जिम है उनके लिए एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं। दूसरा तरीका जो है गाइस, वो तरीका सेम टू सेम वही तरीका है जो मैंने आपको बता रखा है गाइस, हाउ टू गेट फ्री इन सेंस में, वही वाला तरीका है गाइस। बट उस वीडियो में मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया था, लोगों के बाद में डाउट्स आ रहे थे गाइस, तो वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि कंपनी है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का ट्रायल देगी, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी ट्रायल चल रहे हैं गाइस। वो ट्रायल गाइस ये हैं कि आपको कुछ लेवलों पर इनक्यूबेटर मिलते रहेंगे गाइस। सो गाइस, सबसे पहला इनक्यूबेटर आपको मिलेगा, वो तो मतलब इनफिनाइट वाला तो मिल ही जाएगा गाइस। सबसे पहले आपको इनक्यूबेटर मिलेगा लेवल 6 पे गाइस। तो यहाँ पर 5-5 का डिफरेंस है गाइस। लेवल 6 पे जब आप आओगे तो आपको मिलेगा एक इनक्यूबेटर,
लेवल 6 के बाद लेवल 10 भी मिलेगा, 4 का डिफरेंस है बट लेवल 10 पे ही मिलेगा गाइस एक और इनक्यूबेटर। फिर लेवल 15 पे मिलेगा एक और इनक्यूबेटर गाइस। तो यहाँ पर आपको 3 इनक्यूबेटर मिल गए लेवल 15 तक। सो गाइस फिर लेवल 20 पे 2 इनक्यूबेटर और मिलेंगे, लेवल 20 पे 2 मिल रहे हैं गाइस। तो अब देखो सुनने वाली बात ये है गाइस, लेवल 1 से लेके लेवल 20 आने में कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम लगा लो तो 20 दिन लगा लो गाइस, ठीक है 20 दिन मैक्सिमम लगा लो यार, या फिर एक महीना लगा लो, एक महीना मैक्सिमम लगा लो, ठीक है मैक्सिमम लगेगा एक महीना। एक महीने में आपको कितने इनक्यूबेटर मिल रहे हैं, 5 इनक्यूबेटर मिल रहे हैं गाइस। इन पाँचों की ड्यूरेशन कितनी है, 3 मतलब 5 × 3 15, मतलब ये 15 इनक्यूबेटर इतना काम कर रहे हैं गाइस। और साथ में एक इनक्यूबेटर आपके पास ऑलरेडी है जो कि इनफिनाइट है, तो 15 इनक्यूबेटर की पावर मिल रही है आपको। मतलब लेवल 20 के प्लेयर को इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, उसको इतना मतलब ही नहीं है क्या निकल रहा है क्या चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं उसको, है ना। लेवल 20 तक जब आप पहुंचोगे तो आपके पास काफ़ी इनक्यूबेटर हो चुके होंगे जिनमें से कि आप कुछ यूज़ कर भी रहे होगे, और क्या पता आप कौन से यूज़ कर रहे हो पता नहीं गाइस, ठीक है। फिर जब आप लेवल 20 के बाद लेवल 25, तो लेवल 20 तक की जर्नी थी बहुत सिंपल थी गाइस। लेवल 20 के बाद से लेवल 25 जाने में टाइम लगता है, 25 पे आपको एक इनक्यूबेटर मिलेगा, 25 से लेवल 30 पे जाने पे लगेगा गाइस टाइम, काफ़ी टाइम लगेगा, वहाँ पर आपको मिलेंगे 3 इनक्यूबेटर। सो गाइस अब होता है गेम शुरू पोकेमोन गो, लेवल 30 से लेके मतलब लेवल 30 से गेम शुरू हो जाता है गाइस। लेवल 31 जैसे होगा तो उसको बोलेंगे 10% ऑफ द गेम, लेवल 31 होता है आपका 10% होता है गेम का, ठीक है गाइस। सो गाइस लेवल 30 के बाद से इनक्यूबेटर मिलने बंद हो जाते हैं, वो सीधे आपको लेवल 40 पे मिलेगा इनक्यूबेटर। तो गाइस आप देख रहे हो गेम में मतलब कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस। जब आप लेवल 30 पहुंचते हो तो आप पोकेमोन गो में काफ़ी कुछ सीख चुके होते हो गाइस, बहुत कुछ सीख चुके होते हो, है ना। जैसे कि मैं लेवल 38 पे हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ बट काफ़ी चीज़ें सीखनी बाकी हैं। तो लेवल 30 के बाद से लेकर लेवल 40 का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आपके पास जो पोकेमोन्स वाइल्ड में मिलते हैं या फिर आप रेड से पकड़ते हो कहीं से भी मिलते हैं, उनकी IVs भी अच्छी होती हैं प्लस उनके CP भी अच्छी होती है गाइस, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल 30 से लेकर लेवल 40 के बीच में गाइस आप लोग एक काम और करते हो गाइस, जो कि ये स्पेशल रिसर्च गाइस। आप लोग अपनी स्पेशल रिसर्च कंप्लीट करना शुरू कर देते हो गाइस, चाहे वो म्यू की हो, मिथकल हो, चाहे वो मिल्टन की हो, चाहे क्लीवी की हो, चाहे जराइची की हो, तो ये सारी रिसर्च आप कंप्लीट कर रहे होते हो। तो गाइस इन रिसर्च में से हमें मिलता है एक इनक्यूबेटर, एक नहीं काफ़ी मिलते हैं जो कि होते हैं सुपर इनक्यूबेटर गाइस। आपको इन रिसर्च में से सुपर इनक्यूबेटर मिलते हैं और ये रिसर्च आप लेवल 30 के बाद ही कंप्लीट करते हो गाइस, क्योंकि लेवल 30 के बाद ही आप ऐसी कंडीशन में पहुंचते हो अगर आप स्पूफिंग नहीं कर रहे हो तो, कि आपके मेडल्स जो होते हैं गोल्डन मेडल्स होते हैं, गोल्ड मेडल होते हैं, वो आपको मिलने शुरू होते हैं। हर आपको जगह पे गोल्ड मेडल्स मिलने शुरू होते हैं, जैसे कैंटो रीजन गोल्ड मेडल मिलता है, झोटो रीजन का मिलता है, सारे रीजनों के आपको धीरे धीरे गोल्ड मेडल मिलने शुरू हो जाते हैं लेवल 30 के बाद, क्योंकि लेवल 30 के बाद ही आपके पास अच्छे खासे पोकेमोन होते हैं। तो लेवल 30 से लेकर लेवल 40 तक ही आपको इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है और तब आपको इनक्यूबेटर मिलते हैं रिसर्च में से। तो ये तो हो गया स्पेशल रिसर्च, स्पेशल रिसर्च जब भी आएगी आपको इनक्यूबेटर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मिलते हैं टाइम लिमिटेड रिसर्च में से, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इवेंट हुआ है नैंटिक हैप्पी बर्थडे, तो उधर भी इनक्यूबेटर मिला है गाइस, ठीक है। इधर भी मिलता है स्पेशल रिसर्च में लेवल अप करने पे। तो ये गाइस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं इनक्यूबेटर कैसे मिलेगा, और शायद आप लोगों को समझ आ गया हो कि इनक्यूबेटर कैसे मिलता है। इनक्यूबेटर का यूज़ क्या है गाइस, तो नॉर्मल इनक्यूबेटर होता है उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बट जो सुपर इनक्यूबेटर होता है उसको सिर्फ आप 10 किलोमीटर के अंडे में यूज़ करो गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं एग्स के बारे में, पोकेमोन को मैं कितने टाइप के एग होते हैं अगर मैं पूछूँ तो आप क्या बोलोगे गाइस, कमेंट कर देना वीडियो पोस्ट करके। लकी एग को काउंट नहीं करना है गाइस, ठीक है। लकी एग में से कभी कोई पोकेमोन नहीं निकलता है, लकी एग को छोड़ के हमारे पास पोकेमोन गो में होते हैं लगभग, काउंट कर लें ऊपर, 6 टाइप के अंडे होते हैं गाइस,
सिक्स टाइप के अंडे मिलेंगे आपको, अंडे सॉरी, तो छः टाइप के अंडे मिलते हैं गाइस, ठीक है। तो छः टाइप के अंडे क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ गाइस। सबसे पहले हरा वाला अंडा, अंडा हरा नहीं होता, अंडे पे ग्रीन कलर के स्पॉट होते हैं, जो होता है गाइस 2 किलोमीटर का, ठीक है गाइस, 2 किलोमीटर का अंडा होता है गाइस। उसके बाद होता है एक पीला वाला गाइस, जिसमें मतलब ऑरेंज येलो स्पॉट होते हैं गाइस, जो कि 5 किलोमीटर का। सो गाइस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, एक और होता है 5 किलोमीटर का अंडा गाइस, जो कि एक अलग कैटेगरी है। और वो अंडा आपको कैसे मिलेगा, 25 किलोमीटर चलने में मिलता है, वीकली फिटनेस टाइप का कुछ होता है गाइस, उससे मिलता है वो। फिर आता है गाइस तीसरे टाइप का अंडा है, चौथे टाइप का अंडा है गाइस, जो कि है 7 किलोमीटर का। उसके बाद पांचवे टाइप का अंडा है, जो कि है 10 किलोमीटर का, जो कि आपको कहीं भी मिल सकता है, पॉकी स्टॉप जिम में से कहीं भी मिल सकता है। फिर आता है छठे टाइप का अंडा गाइस, जो कि मिलता है 50 किलोमीटर वॉक करने पे। सो गाइस ये कुछ अंडे हैं जो कि आपको पोकेमोन गो में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको सुनने को 2 एक्स्ट्रा टाइप के अंडे मिले होंगे, जो कि हैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, जो कि वीकली फिटनेस से मिलते हैं। सो गाइस ये अंडे बिल्कुल अलग हैं गाइस, इनको इन अंडों में मैच मत करना, क्योंकि इन अंडों में से एक अलग टाइप के पोकेमोन्स निकलते हैं। और थोड़ा मतलब इन अंडों में क्या है कि थोड़ी मतलब नैरो है, नैरो मतलब इनमें सिलेक्शन ऑफ पोकेमोन काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छे पोकेमोन्स मिल जाते हैं, जो कि हमको इजीली अवेलेबल नहीं होते गाइस। तो अगर हम बात करें 2 किलोमीटर के अंडे, 2 किलोमीटर के अंडे में बेसिकली मैजिक कार्प मिलता है गाइस। अगर आप 2 किलोमीटर के अंडे 100 फोड़ते हैं तो आपके पास 7 मैजिक कार्प मिलने के चांस रहते हैं गाइस, एक परसेंटेज बता रहा हूँ गाइस। वैसे तो बहुत पोकेमोन है, तो मैं उन सबकी लिस्ट लगा दूंगा, आप देख लेना पॉज करके। उसके बाद 5 किलोमीटर जब होता है गैस, तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ मिलते हैं गैस, कुछ खास नहीं मिलते, ईवी मिल जाती है गैस, ठीक है, ईवी हो गया, टिम्पोल हो गया, स्कारमोरी हो गया गैस, स्कारमोरी एक अच्छा पोकेमोन है, ग्रीमर हो गया, ऐसे बहुत सारे पोकेमोन है गैस, शैलमेट हो गया, शैलमेट अच्छा है गैस, सोलोसिस हो गया। तो ये है गैस स्टैंडर्ड 5 किलोमीटर का अंडा, जो कि आपको ईजिली पॉकेस्टॉप से स्पिन होकर मिलता है। और 5 किलोमीटर के अंडों में गैस रीजनल पोकेमोन्स भी मिलते हैं गैस, तो रीजनल पोकेमोन यार सबके अलग अलग हैं, तो उनके बारे में उनको कवर नहीं कर रहा मैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस 7 किलोमीटर अंडे, 7 किलोमीटर के एग्स में से गाइस आजकल मिल रहे हैं गैलेरियन और अलोलन, ये दोनों टाइप के पोकेमोन्स खूब ज़्यादा मिल रहे हैं, बाकी इवेंट्स पर डिपेंड है, जैसे भी कोई इवेंट आएगा तो 7 किलोमीटर का अंडा वहाँ पर रिजर्व रहता है कि ये इवेंट चल रहा है तो यहाँ पर ये पोकेमोन निकलेंगे। 10 किलोमीटर के अंडे में गाइस काफ़ी बढ़िया पोकेमोन निकलते हैं, फीवास हो गया, एब्जोल हो गया, सिंस हो गया, गिबल हो गया, गिबल का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, रियलू हो गया गाइस, आपका फेरोसीड हो गया, आपका डीएनओ हो गया, एक्ज्यू हो गया, लिटविक हो गया, क्लिंक हो गया, गॉलेट हो गया, तो ये सारे पोकेमोन, टिम्बर हो गया, ये सब 10 किलोमीटर के अंडे से निकल रहे हैं। और रीजनल में गाइस अगर बात करें तो भैया वो अलग है। तो गाइस अब बात करते हैं वो पोकेमोन जो वो अंडे जो कि मतलब फिटनेस वाले हैं गाइस, जो कि आपको वीकली रिसर्च करने पे जो अंडे मिलते हैं, अगर 5 किलोमीटर का अंडा मिल रहा है तो उसमें क्या क्या निकल रहा है। अगर आप 25 किलोमीटर चलते हैं गाइस और आपको मिलता है 5 किलोमीटर का अंडा वीकली, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे से पोकेमोन मिलेंगे, जैसे क्रोगंक, स्नोर, स्नोवर, ब्रोंजोर, कॉम्बी, फेनन, तो ये सारे पोकेमोन मिल सकते हैं गाइस। अब आते हैं गाइस वो 10 किलोमीटर का अंडा, जो कि मैं आपको वीडियो में बोलता रहता हूँ कि इसमें से रियलू मिलता है, रियलू मिलता है, बट आप कमेंट करते हो भैया रियलू नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो वो डाउट मैं आप क्लियर कर देता हूँ गाइस। ये वो अंडा है जो कि आपको वीक में एक बार मिलेगा अगर आपने 50 किलोमीटर ज़्यादा चला है, और इसमें कोई भी पोकेमोन निकलेगा अच्छा ही निकलेगा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिंक्स की मैं जानता हूँ, सिंक्स बहुत ज़्यादा मिलता है, बट ड्राटिनी, लाविटार, बैगोन, बेल्डम, रायलू जो भी बोलते हैं, ये पोकेमोन पक्का मिलते हैं इधर। तो भैया देखो रियलू के पीछे सब पड़े, तो यहाँ पर देखो भैया शाइनी बहुत ज़्यादा चांस है, ये इन अंडों, ये एक ऐसा अंडा है कि जिसमें शाइनी के भी चांस काफ़ी अच्छे हैं गाइस। तो महीने में अगर 4 बार आप ये करोगे तो आपको रियलू ज़रूर मिलेगा, बट 10 किलोमीटर का अंडा कौन सा, ये वाला, उस वाले भी 10 किलोमीटर के अंडे से रियलू मिलता है,
बट वहाँ परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है और यहाँ परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है गाइस, समझ गए हो? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन बहुत कम है गाइस। सो गाइस अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोकेमोन हैं जो कि लिस्ट में नहीं है। सिर्फ टोगोपी नहीं है आपका, टोगोपी कैसे मिलेगा? टोगोपी भी इजली एंडोमेन से मिलता है गाइस, बट वो इवेंट वाला पोकेमोन है गाइस, वो ऐसे नहीं मिलेगा। कभी कभार मिलता है गाइस, रेयर है वो, बट वो मिलता है। अगर आप पोकेमोन को खेल रहे हो तो आपको हर दूसरे तीसरे महीने में मिल जाता है पोकेमोन, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बड़ा टॉपिक क्लियर किया है गाइस। और एक बात और है गाइस, हम लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ 9 अंडों की जगह है गाइस। अगर ये जगह आपकी भरी है और आज मंडे है गाइस, तो आपको एक मैं टिप दूंगा गाइस। अभी मंडे है गाइस और मैंने अभी तक प्रोफाइल पे क्लिक नहीं किया गाइस, तो आप भी प्रोफाइल पे क्लिक कर देना, बट मी पे मत जाना गाइस। मी पे जाओगे तो वहाँ पर आपका बोनस क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ मत जाना है गाइस। आप क्या काम करना गाइस, आप इनमें से एक अंडा फोड़ लेना पहले। कैसे फोड़ोगे? अगर आपको ऑटो हैश टेक्निक नहीं पता है तो आई बटन चेक कर लेना गाइस। सो गाइस अब बताता हूँ गाइस, आई बटन में मैं कुछ वीडियोस लगाने वाला हूँ, जैसे कि आपकी मैं आफरीन सिंस की वीडियो लगाने वाला हूँ गाइस और ऑटो हैच की वीडियो लगाने वाला हूँ। ये दो वीडियो लगा दूंगा, आप ज़रूर देखना गाइस और शायद आपको काफ़ी हेल्प मिले। और गाइस कोई भी चीज़ मिस हुई हो या कुछ भी मैंने गलत बोला हो गाइस, तो प्लीज़ कमेंट कर देना और डिसलाइक कर देना, ठीक है, ताकि चले पता कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या गलत बोला है गाइस, ठीक है। डिसलाइक करो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ताकि चीज़ें पता चले कि भैया हम कितने गलत हैं। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल। और गाइस सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस। बाय बाय गाइस।